हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, काफी दिनों बाद एक और वीडियो, धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं 5G हैंडसेट की एक चार्जिंग सेक्शन को आपको यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मार्केट में नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं और जिसमें आपको नया नया सर्किट आ रहा है और वोल्टेजेस में काफी सारा डिफरेंस आ चुका है और सर्किट में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डिफरेंस आ चुका है। कहीं बार एक चार्जिंग ऐसी यूज की जा रही है, कहीं बार दो चार्जिंग ऐसी का इस्तेमाल कहीं किया जा रहा है, कहीं पर सपोर्टिंग के लिए चार चार चार्जिंग ऐसियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको काफी सारा नया अपडेट मिलते रहता है और हमारे इंस्टीट्यूट में जब आप आएंगे ट्रेनिंग के लिए तो बहुत कुछ आपको बताते हैं जो YouTube पर आपको देखने नहीं मिलेगा। दोस्तों, जितने भी हम वीडियोस डालते हैं काफी सारे लोग तो कॉपी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट तक वो सारी चीज पहुंचे। तो काफी टाइम से सोच रहे थे, देख रहे थे कि लोग कुछ नया डालते क्या, बट उनके पास जब कोई कंटेंट होता नहीं है तो वो सेम वही पुराना घसा पिटा कंटेंट ही डालते हैं। तो दोस्तों, फोनफिक्स हैदराबाद की टीम का एक ये कोशिश होती है कि हम हर बार कुछ ना कुछ आपको नया दिखाते रहें। दोस्तों, यहां से आपको इतना कुछ नया मिलने वाला है हमारे चैनल पर। हमारी टीम काफी सारी चीजों को रिसर्च कर आपके पास हम पहुंचाते हैं इन चीजों को, ताकि अगर आपके पास मार्केट में इस तरह के फॉल्ट आए, ऐसे हैंडसेट आए तो आप रिपेयर कर सके। दोस्तों, 4G का जो सर्किट था उसमें काफी सारा चेंजेस आ चुका है। अब 5G में, 4G से 5G में अगर आप देखेंगे काफी सारा चेंजेस है। बहुत सारे सप्लायरों को अगर आप देखोगे, बहुत सारे वोल्टेजेस की बात करें तो बहुत ही चेंजेस आ चुका है, तो उसको आपको सीखना होगा, अदरवाइज आप 4G का डाटा लेकर के 5G को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, चार्जिंग एक सेक्शन है जो कि लेटेस्ट मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा और ये 5G हैंडसेट का डाटा है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने 3 आईसीओ को यहां पे हमने लिया है। एक हमने ले लिया है सीपीयू और दूसरा हमने लिया है फास्ट चार्जिंग यानी सपोर्टिंग चार्जिंग ऐसी, जो कि इसका नंबर अगर आप देखोगे तो BQ25970। अभी तक आपने BQ को देखा होगा, लेग वाली 24 लेग का ऐसी देखा होगा, लेकिन ये जो BQ ऐसी है फ्रेंड्स, ये बॉल वाला ऐसी देखने को मिल जाएगा। ये होता किस तरह का है अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि देखने में ये ऐसी दिखता कैसा है। तो एक हमने BQ ऐसी यहां पे लिया है और एक हमने मेन पावर ऐसी PM7250B। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हमारी मेन चार्जिंग आईसी है। अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ये हमारी मेन DC to DC आईसी है, यही वो आईसी है जिससे हमारा VPN वोल्टेज जनरेट होता है। तो यहां पे फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या सप्लाई कब बनती है, कैसे बनती है। तो इसमें कुछ नया है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा नया, गारंटी के साथ कह सकता हूं, और इतना अच्छा सरल भाषा में शायद ही आपको कोई YouTube पे समझाते होंगे। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सर्किट है, इस तरह के काफी सारे नए नए सर्किट हम लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बताते हैं। बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जो हम स्टूडेंट्स को लाइव देते हैं, जो कि उनको YouTube पे या Google पे कहीं पे मिलेगा नहीं, जो हमारा खुद का रिसर्च किया हुआ होता है, जो हमारा खुद का बनाया हुआ होता है। एक एक सर्किट के ऊपर हम काफी टाइम लगाते हैं, 8-8 दिन लग जाते हैं एक एक वीडियो ऐसा आपके सामने लाने के लिए। पहले रिसर्च करनी होती है, सारी चीजों को प्रैक्टिकली चेक करना होता है, फिर हम डायग्राम मार्केट में होते नहीं है तो उसका भी हम इस तरह का सर्किट बनाकर आपको देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको ये आईसी दिखता कैसा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये आईसी आपको देखने में दिखेगा कैसा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स BQ आईसी जो देखने में आपको दिखेगा इस तरह का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो आईसी देख रहे हैं आप, ये BQ आईसी है। तो इसके अंदर नया क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे वही चीज बताने वाला हूँ कि नया आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे, ये जो आईसी है हमारा BQ आईसी है, जो कि बॉल वाला आईसी है। अभी तक आपने BQ आईसी को देखा होगा तो वो लैग वाला था जिसमें 24 लैग आते थे, बट ये जो आईसी हमारा बॉल आईसी है। इसके साथ जो मेन हमारा चार्जिंग आईसी होता है PM7250B, ये जो बी लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये हमारा मेन चार्जिंग एसी होता है। तो ये जो एसी हमारा मेन चार्जिंग एसी, और इसके पास यहीं पे आपको VPH कॉइल भी मिल जाएगा, इसके पास आपको एक बूट कैप भी मिल जाएगा, इसके पास ही से आपको एक VPH सप्लाई भी और VBAT सप्लाई भी आउट होते हुए दिख जाएगी, VBAT की सप्लाई, और यहीं से आपका VPH बनता है, और यहीं पे आपका 8 वोल्ट और 4 वोल्ट का सप्लाई बनता है जिसको हम बूट कैप बोलते हैं।
जो कि हमारी बीटीएसटी सप्लाई होती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नई चीज आपको देखने मिल रही है, जो अगर आप डायग्राम में अगर ढूंढोगे आप इसको क्यू से मेंशन किया होगा, और ये जो है फ्रेंड्स हमारा मॉस्फेट। ये मॉस्फेट का यहाँ पे क्या काम है, क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसका क्या काम है, हम अब इसको आपको बताने वाले हैं। यही कुछ नया है इसके अंदर मॉस्फेट और एक BQIC जो कि सपोर्टिंग चार्जिंग एसी है, फास्ट चार्जिंग एसी है, उसके बाद आपको मेन चार्जिंग एसी तक ये वोल्टेज जाता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको समझना क्या है मैं आपको डायग्राम में बताने वाला हूं। तो यहां से इसको मैं हटा देता हूं, तो एक हम भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को बता सके, जैसे ये सेफ हो जाएगा तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की, इस तरह का आईसी मिलेगा। अगर आप डायग्राम में देखोगे फ्रेंड्स इन तीनों आईसीओ को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉस्फेट दिखेगा आपको Q5501 के नाम से, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मॉडल मेंशन नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मॉडल मेंशन कर देते हैं तो मार्केट में लोग कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के आपको बता रहा हूँ, थोड़ी चीजें हाइड करनी पड़ रही है क्योंकि सेम कॉपी कर रहे हैं, वही वाले डायग्राम्स में देख रहे हैं जाकर के, उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, पूरा एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कॉपी करते ही रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी की कॉपी करता ही है। बट एक चीज है फ्रेंड, थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टाइम आपका लगेगा उसमें, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बट कॉपी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं वो मॉस्फेट जो मैंने बताया आपको यहां पे है मॉस्फेट, और जो हमारा BQIC है हमारा यहां पे U5500 के नाम से यहां पे एक आईसी है हमारा, जो कि एक BQIC है। अब फ्रेंड्स इसमें ये मॉस्फेट का रोल क्या है, काम क्या है, यही चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं ये VBUS का वोल्टेज है 5 वोल्ट, जैसे आप चार्जर लगाते हो इसमें इन हो जाता है इस तरह से, तो मॉस्फेट में जाकर के ये वेट करेगा, इसके सोर्स से ये आउट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक गेट पे इसके वोल्टेज नहीं देंगे तो सोर्स से ये आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 वोल्ट आकर के एक नंबर पिन पे वेट करता रहेगा, और यही 5 वोल्ट यहां से आप देख सकते हैं एक 0 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू आईसी में चला जाएगा E7 नंबर पिन पे, जहां पे लिखा है आपको VAC वोल्टेज अडेप्टर करंट। तो यहाँ पे ये चेक करेगी आईसी के जो आपने यहाँ पर चार्जर लगाया है, जो भी टाइप सी का चार्जर लगाया है आपने, उससे जो करंट, जो एम्पियर इन हो रहा है, जो वोल्टेज आ रहा है वो सही है या फिर ज्यादा एम्पियर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा एम्पियर आ जाएगा तो चार्जिंग ऐसी आपकी डैमेज हो सकती है। तो यहां पे इस E7 पिन से ये चेक कराया जा रहा है कि जो भी आपने चार्जर लगाया है, कहीं ऑर्डिनरी चार्जर तो नहीं लगाया आपने, कहीं नॉर्मल चार्जर तो नहीं लगाया, कोई खराब वाला चार्जर तो नहीं लगाया, कहीं चार्जर से ज्यादा एम्पियर, ज्यादा करंट इन तो नहीं हो रहा है आईसी के अंदर, तो ये यहां पे चेक किया जाएगा। उसके बाद यहीं पे अभी आप यहां पे भी अगर आप चेक करोगे तो 5 वोल्ट ही इन होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे इसको OVP गेट पर ट्रिगर कराया जाएगा, यहां से 5 वोल्ट वापस आपका यहां पे गेट पे दिया जाएगा मॉस्फेट पे। देख सकते हैं आप मॉस्फेट के गेट पे अगर आपको जब 5 वोल्ट मिलेंगे, यहां से इसका सोर्स से यही वोल्टेज आपका आपकी BQIC में चला जाएगा। ये देख सकते हैं 4 पिनों में जाएगा, C6, D6, E6 और F6। यहाँ पे पूरा अगर आप देखोगे 5 पिनों पे आपको 5 वोल्टेज इन होने चाहिए, और यहीं से देख सकते हैं OVP VBUS के नाम से ये जो वोल्टेज जाता है आपका मेन चार्जिंग AC में, मेन हमारी जो DC to DC आईसी है, जहां से आपको VPH बनना है, जहां से आपको VBAT बनना है, जहां से आपको चार्जिंग के वोल्टेज बनने हैं, ये OVP ये पूरा चेक होने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद जब ये जाएगा मेन चार्जिंग एसी में। अगर हम पुराने मॉडल्स में अगर हम देखेंगे, जैसे हम चार्जर लगाते तो एक बीच में एक पैरेलल में कैपेसिटर या एक पैरेलल में जीना डायोड दिखने को मिलता था, उसके बाद ये वोल्टेज डायरेक्ट चार्जिंग एसी में जाया करता था। बट लेटेस्ट मॉडल में अगर आप 4G में और 3G में कुछ देखेंगे आप, तो बीच में आपको OVP करके एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी देखने को मिलेगी, उसके बाद वो वोल्टेज चार्जिंग एसी में जाया करता था। बट 5G हैंडसेट में फ्रेंड्स थोड़ा सा सर्किट को एडवांस कर दिया गया है, थोड़ा सा नया कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। अब इसी चीज को हमने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है, तो यहां पे भी हम वही चीज आपको बता देते हैं थोड़ा सा आसान तरीके से कि BQ में क्या फंक्शन हो रहा है और मेन चार्जिंग AC में क्या हो रहा है। यहां पे फ्रेंड जैसे आप चार्जिंग आपका CC इन करेंगे, एडेप्टर को इन करेंगे, तो 5 वोल्ट जो है आपका ये देख सकते हैं यहां से आपका मॉस्फेट के ड्रेन पर जा रहा है। तो 5 वोल्ट मॉस्फेट को मिलने के बाद, मॉस्फेट पे 5 वोल्ट मिलने के बाद वो वोल्टेज चार्जिंग एसी को नहीं जाएगा BQ में,
और यही वोल्टेज अगर से यहां से आप देखोगे तो वीएसी के नाम से आईसी के अंदर गोले में जाएगा, जहां पे आपको वोल्टेज एडाप्टर करंट कहा जा रहा है इस नाम को। 5 वोल्ट यहां पे मिलने के बाद यही 5 वोल्ट वापस यहां से ड्राइव होकर के आएगा आपके गेट पर, इस वाले मोसफेट के गेट पर आपको देखने मिल जाएंगे सेम 5 वोल्ट। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे गेट पे जब 5 वोल्ट मिलेंगे तो सोर्स से वोल्टेज आउट होगा और हमारी बीक्यूआईसी में ये 4 गोलों में इन हो जाएगा, यही वीबस के नाम से 5 वोल्ट इन हो जाएगा। और यही वोल्टेज आप देख सकते हैं यहां से होकर के हमारी जो मेन चार्जिंग आईसी है, मेन डीसी टू डीसी आईसी है, इसमें भी ये इन हो रहा है 5 वोल्ट। ताकि यहाँ पे इन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पीएमआईडी पे 5 वोल्ट मिलेगा, जहां पे आपको एक कैपेसिटर पैरेलल में देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको चेक करने हैं। 5 वोल्ट चेक करने के बाद फ्रेंड्स इस आईसी का पहले हम फंक्शन समझ लेते हैं कि यहां से फास्ट चार्जिंग कैसे कराई जा रही है और यहां से मेन चार्जिंग कैसे कराई जा रही है। तो दोनों को अगर से आप देखेंगे तो इस आईसी के पास आपको एक बूट कैप देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 1 साइडेड 8 वोल्ट मिलेगा और दूसरे साइड 4 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको ये जो हमारा वीपीएच का वोल्टेज होता है, जो वीपीएच कॉइल होता है, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और इस आईसी में यहाँ पे चार्ज कम, यहाँ पे फ्लाइंग कैप्स लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई और एक लो, दोनों आपको यहाँ पे वोल्टेजेस बनेंगे। हाई वोल्टेज में आपको 4 वोल्ट देखने को मिलेंगे और लो वोल्टेजेस में आपको 2.5 के आसपास देखने को मिलेगा। दोनों भी साइड अगर आप देखेंगे एक हाई और एक लो, CFH यानी कैपेसिटर के पास आपको जो वोल्टेज बन रहा है, हाई वोल्टेज बन रहा है ऊपर के साइड में यहां पर 3.3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट, और नीचे की साइड अगर देखोगे तो आप 2.5 यानी लो वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। यहां से इसको चार्ज पंप कराया जा रहा है, चार्जिंग के लिए वोल्टेज को निकाला जा रहा है और वो जो वोल्टेज निकलेगा यहां से वी बैट के नाम से, देख सकते हैं एक पैरेलल में कैपेसिटर और वी बैट के नाम से यही वोल्टेज आपके बैटरी के कनेक्टर तक यही वोल्टेज पहुंच जाता है, जब आप बैटरी लगाकर चार्जर लगाकर चेक करते हो। तो ये तो हो गई हमारी फास्ट चार्जिंग आईसी जो कि सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है। पहले वोल्टेज इसी में जाएगा 5 वोल्ट आपका, उसके बाद यहां से होकर के मेन चार्जिंग आईसी में। तो फ्रेंड्स यहां पे इस आईसी के और भी अगर सप्लाई की बात करें तो एक आईएनटी की सप्लाई जो कि 1.8 की होती है, जो कि सीपीयू से इस डीसी टू डीसी तक, इस सेकेंडरी चार्जिंग आईसी तक कनेक्ट होती है। इसके अलावा एक आई2सी क्लॉक डाटा चाहिए, जहां पे अगर आप चेक करोगे तो आपको 1.8 का वोल्टेज मिल जाएगा दोनों में। यहां पे आपको चेक करना है क्योंकि सीपीयू को एक क्लॉक का सिग्नल भेजेगा यहां पर आपकी मेन सेकेंडरी चार्जिंग आईसी तक, उसके बाद डाटा की सप्लाई यहां से जाएगी और वापस जब फास्ट चार्जिंग होगी तो वापस से सीपीयू को डाटा वापस से मिल जाएगा कि यहां से इसने वीबैट के वोल्टेज निकाल दिया है कि नहीं निकाल दिया है। तो ये कब इनेबल होगा, जब आप इसमें फास्ट चार्जर लगाओगे जिसमें डीएम डीपी का भी बहुत सारा रोल है और यूएसबी आईडी लाइन यानी हमारी CC1 CC2 जो कि चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन पिन है, जो कि नीचे आपने चार्जर लगाया है या फिर ओटीजी लगाया है या यूएसबी आपने लगाया है, लैपटॉप के साथ आपने कनेक्ट किया है, 1 एम्पियर के चार्जर के साथ आपने लगाया है, 2 एम्पियर के चार्जर के साथ आपने आपने कनेक्ट किया, ये सारी चीज आपको CC1 CC2 से मालूम होता है सीपीयू को। तो यहां पे फ्रेंड्स इस आईसी में इतनी सप्लाई आपको देखनी है। इसके बाद जो अगर हम मेन चार्जिंग आईसी में देखोगे तो पीएमआईडी का 5 वोल्ट यहां पे चेक करना है, उसके बाद हमारा ये बूट कैप पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 8 वोल्ट आपको मिलने हैं 1 साइडेड, और दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो यहां पे 4 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। और यहां पे आपको होगी स्विचिंग, यहां पे कॉइल के इस पास अगर आप देखोगे डीएसओ से तो आपको स्विचिंग देखने को मिल जाएगी। कॉइल का जो वोल्टेज है फ्रेंड वापस से कॉइल का जो वोल्टेज है वापस से आईसी में इन हो जाता है यहां पर से, और इन होने के बाद ये वोल्टेज यहां पे अंदर जो मोसफेट है उस मोसफेट से ये आउट होगा यहां से ड्राइव होकर के, और ये वोल्टेज हमारा चार्ज आउट के नाम से, या फिर एक इसे वीबैट भी कहा जाता है, वीबैट के नाम से बैटरी कनेक्टर तक ये वोल्टेज पहुंच जाता है। और जो वीपीएच वोल्टेज है हमारा यहां से बाहर निकल करके अदर सेक्शन में जाएगा, जैसे अगर आप देखोगे तो लाइट सेक्शन हो गया आपका, ग्राफिक आईसी के लिए हो गया, या फिर आपका ऑडियो आईसी, रिंगर आईसी, बहुत सारे आईसी, पावर आईसी में भी जाएगा यहां से मोबाइल को ऑन करने के लिए। इसके अलावा आपका 2GPA 4GPA काफी सारे जगह पे आपका वीपीएच वोल्टेज जाता है, जिससे सारे सेक्शन एक्टिवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं CC1 CC2 की जो सप्लाई है इस BQIC में ना देकर के मेन हमारी जो DC टू DC IC है PM7250B, यहां पे आप देख सकते हैं एक CC1 के नाम से सप्लाई यहां से देख सकते हैं, जो कि हमारी आईडी
कॉन्फ़िगरेशन पिन होती है और CC2। जब आप इस तरह से चार्जर लगाओगे तो CC1 की सप्लाई काम करेगी, जब चार्जर निकाल कर आप वापस उल्टा करके लगाओगे तो CC2 की सप्लाई काम करेगी। यहां पे जो वोल्टेजेस अगर आप देखने को मिलेंगे CC1 CC2 पे तो 0.3 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग हैंडसेट में। जिस साइड में आपने चार्जर लगाया है उस साइड में आपका CC1 ID काम करेगा, अगर पलटा कर आप लगाओगे तो ऊपर का वोल्टेज चला जाएगा और CC2 में वही वोल्टेज आ जाएगा। तो यहां पे CC1 CC2 जो है हमारा चार्जिंग पिन से लेकर के मेन चार्जिंग आईसी तक कनेक्ट होता है। इसके अलावा यहां पे अगर आप देखोगे तो क्लॉक एंड डाटा की सप्लाई होती है जो कि सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है, तो सीपीयू के साथ इसका कम्युनिकेशन होता है, इसको हम I2C कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जिसमें सीपीयू जो है वो एक मास्टर है, वो अपने स्लेव के साथ वो सारा डाटा शेयर करेगा, उससे डाटा लेगा कब चार्जिंग करना है, कितना चार्जिंग करना है, कैसे चार्जिंग करना है, कितना बैटरी के अंदर एम्पियर ऑलरेडी, कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, सारा चीज जो है वो सीपीयू इन्हीं लाइनों से पता करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी फ्लैशिंग के लिए हम लाइनें यूज करते हैं DMDP की, जो कि हमारी डाटा माइनस और डाटा प्लस की लाइन है, ये भी इस आईसी के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि फास्ट चार्जिंग में आपने देखा होगा कि DMDP का एक बहुत बड़ा रोल है, चार्जर लगाने पर ये लाइनें शॉर्ट हो जाती है जिससे सीपीयू को पता चलता है कि आपने फास्ट चार्जर लगाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितना वोल्टेज चार्जर लगाने पर आता है, निकालने पर कितना वोल्टेज आता है, ये सारी चीज हम लाइव क्लास में बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.6 जो है आपका वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा DMDP में, और जब आपका चार्जर नहीं लगा होगा तो 2 वोल्ट से आपको 4 वोल्ट भी देखने को मिलता है इन लाइनों में जो आपकी DMDP की सप्लाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखोगे इतना सब कुछ होने के बाद और भी यहाँ पे कंटिन्यूटी और भी आपको मिलेगा, यहाँ पर एक आपको यहाँ पे ग्राउंड के साथ सेंसिंग लाइंस भी मिलेंगे VBAT सेंस के नाम से, और VBAT के लिए भी एक सेंसिंग लाइन यहाँ से एक कनेक्ट होती है आपकी VBAT की सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स अगर से सेंस रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो सेंसिंग लाइनों का इस्तेमाल किया जाएगा आई सेंस बैट सेंस के नाम से। इसके अलावा फ्रेंड्स VRB की सप्लाई भी यूज की जाती है जो कि कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं, VRB की सप्लाई होती है। इसके अलावा बूट पावर के नाम से एक कैपेसिटर आपको पैरेलल में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली लाइव क्लास के अंदर डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली हैंडसेट को लेकर के बताते हैं। स्टूडेंट्स काफी सारे सेट्स लेकर आते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइव यहां पे रिपेयरिंग होती है, लाइव क्लासेस होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट खुद सर्किट को समझाने के बाद प्रैक्टिकली जब क्लासेस होती हैं तो उसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समझ में आता है, खुद अपने हाथ से काफी सारे हैंडसेट्स रिपेयर कर लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद फ्रेंड्स इस मेन DC to DC से एक सप्लाई आउट होती है जिसको हम केबल पावर के नाम से जानते हैं या फिर पावर गुड के नाम से जानते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो 1.8 का वोल्टेज जो कि सीधा पावर आईसी को जाता है। जब ये दोनों आईसियां सही होते हैं तभी ये वोल्टेज आउटपुट होता है और यहां से वो वोल्टेज पावर एसी को जाता है। उसके बाद पावर एसी में भी VPH भी सप्लाई जाती है, उसके बाद पावर गुड जाता है, उसके बाद पावर एसी एक्टिवेट होती है और LDO और बक सप्लाई बनाती है, APC की सप्लाई बनाती है, काफी सारे लोअर LDO हायर LDO होते हैं वो वहां से जनरेट करती है। जब पावर AC भी सारे सप्लाई जनरेट कर लेती है तो पावर ऑन रीसेट की सप्लाई CPU को देती है। उसके बाद जब CPU भी अपने सारे सप्लाई आप बना लेता है तो फिर CPU PS होल्ड की सप्लाई पावर AC तक पहुंचाता है। तो एक सीक्वेंस होता है ICO का, DC to DC का सीक्वेंस, पावर AC का सीक्वेंस, CPU का क्या सीक्वेंसेस, क्या क्या सप्लाई है, सारा चीज हम आपको क्लास में बताते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल की लाइन भी मिल जाएगी। अब ये लेटेस्ट हैंडसेट है तो यहाँ पे भी आपको I2C क्लॉक एंड I2C डाटा की सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्लॉक और डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट हैंडसेट में दो दो बैटरियां आ रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। दो बैटरियां जिसमें आ रही है उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना के देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा ये एक हमने सर्किट आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला MOSFET। अगर ये वाला MOSFET अगर आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, इसके गेट पर अगर 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो ये वाली सप्लाई को आगे जाने नहीं देगा। उसके बाद ये ना तो ये IC एक्टिवेट होगी ना तो ये IC एक्टिवेट होगी। तो ये आपको चेक करना है, अगर आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है तो आपको ये सारी चीजें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए बहुत सारी सप्लाई है, INT की सप्लाई, क्लॉक, डाटा हो गई आपकी, CC1 CC2 हो गया,
डीएमडीपी की सप्लाई, केवल पावर की सप्लाई, ये सारी चीज देखनी है। पावर गुड सिस्टम ओके के नाम से भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे नाम आते हैं, चेंजेस होते हैं। बूट कैपेसिटर आपको देखना है, यहाँ पे भी बूट कैपेसिटर आपको मिल रहा है। ये चार्ज पंप सर्किट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको हाई एम्पियर का करंट जो है बैटरी में जाता है, 2000 मिली एम्पियर के आसपास करंट। तो ये सारी चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप देखना होता है आईसीएम को। अगर आप सोचेंगे कि हमेशा बीक्यू लगी मिलेगी, तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलते जाएगा मार्केट में, क्योंकि फ्रेंड्स नए नए हैंडसेट में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ रिसर्च करने के लिए है, बहुत कुछ हमने रिसर्च किया है। 5G का डाटा हमारे इंस्टीट्यूट में, अभी हम 4G के साथ 5G पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आपके पास 5G के हैंडसेट आने वाले हैं। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नया है। नॉर्मल डीसी से आपका हैंडसेट ऑन होने वाला है नहीं। क्यों ऑन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, भले ही आप बैटरी लगा लें तब भी ऑन नहीं होगा, भले ही आप डीसी से ऑन कर लें नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सप्लाइयां आ चुकी हैं, बहुत सारा ऐसे फॉल्ट आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं सर्किट की, अगर आपको इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है, सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं करनी है, सिर्फ टीचर्स के लिए क्लैप्स मार के नहीं जाना है, तो आज ही ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच हमारा 27 जुलाई से है। अगर आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, सारा चीज हाथ से करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो या सर्किट की नॉलेज हो, सब कुछ खुद अपने हाथों से ड्रॉ करना चाहते हैं, सब कुछ अपने हाथ से काम करना चाहते हैं, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड और डुअल डेकर सीपीयू लाइव क्लास में बनाकर जाइए। गारंटी के साथ 4G सीपीयू हर स्टूडेंट यहाँ पे डालता है। आप 1 से 4 बार काम करते हैं, ऑन मोबाइल यहाँ पे दिया जाता है, मदरबोर्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं आपको, डायग्राम यहाँ पे दिया जाता है, लैपटॉप यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इतनी सुविधा होती है, दोबारा आप कभी भी एक और बार आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 1 साल तक आपको यहाँ पर कभी भी ऑप्शन होता है दोबारा आने के लिए। कोर्स करके जाने के बाद अगर आपको लगता है कि एक और बार अपडेट होना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई पुराने स्टूडेंट है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। डेली यहाँ पे आपको बैकअप सपोर्ट होता है, 3 से 4 बजे के बीच में आपको क्लासेस लगते हैं, जिसमें पुराने स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया जाता है ये सारा नया डाटा का। अगर आप आना चाहते हैं तो फोन भी हैदराबाद आइए, थोड़ा सा हो सकता है आपके घर से थोड़ा सा दूर हो, लेकिन फ्रेंड्स नॉलेज अच्छी मिलेगी, तगड़ी नॉलेज मिलेगी आपको। पास में जाएंगे, कम फीस के चक्कर में जाएंगे, तो जो फीस है वो भी जाएगी, जो टाइम है वो भी जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप काम सीख रहे हो अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो बिजनेस में आगे तभी बढ़ेंगे आप जब अच्छे एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे, अच्छी एक टीम के साथ जुड़ेंगे, अच्छा एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे। कहीं भी चले जाएंगे कम पैसा देख करके या फिर कम दिनों का टाइम देख करके, दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। ये काम ऐसा है, जितना आप करते जाओगे, जितना करते जाओगे तभी आप एक्सपर्ट बनोगे। ये काम आपको एक टेक्निक और ट्रिक के साथ होता है, एक समझदारी के साथ काम करना होता है, एक पेशेंस के साथ काम करना होता है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनता है। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। सारे के सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आने वाले हैं हमारे चैनल्स पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।